जय सुमंदिर राजभर। साथियों, मैं रविंद्र राजभर एक बार आप लोगों के बीच में फिर आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा, बात को समझिएगा, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में कोहराम मचा रखा है। वो मुद्दा ये है कि आज पूरे देश में अखिल भारतीय राजभर संगठन को लेकर के एक चर्चा चल रही है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सही है, कौन गलत है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो हमारे समाज में है जो ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े और समाज कुछ बेहतर करे। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम आपस में भिड़े रहें और हमारे समाज के जो गरीब और अशिक्षित लोग हैं उनको बहकाते रहें, इसलिए वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बेवजह की अफवाह फैलाते रहते हैं। साथियों, आज देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और अखिल भारतीय राजभर संगठन, आप सभी युवा साथी जान रहे होंगे, जब आप सोशल मीडिया पर आए होंगे या उससे पहले कुछ लोग जो समाज में उठते बैठते होंगे वही जानते होंगे कि अखिल भारतीय राजभर संगठन एक राष्ट्रीय लेवल पर अपना समाज का संगठन है जो सबसे पुराना संगठन है। इसके अलावा अखिल भारतीय महासभा और इसके लिए कई संगठन बने हुए थे, लेकिन अखिल भारतीय राजभर संगठन वो संगठन है जिसने इस समाज को कई विधायक, सांसद, मंत्री दिए हैं। तो जो भी इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस समाज के अंदर माननीय लोग बने, उन लोगों ने समाज के लिए जो भी किया वो राजनीतिक स्तर पर किया। मैंने देखा है कि सामाजिक स्तर पर बहुत सारा काम इस संगठन के माध्यम से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर अलग अलग संगठन बन गए हैं। उसी कड़ी में मेरा भी अपना एक संगठन है जिसको मैं राजभर रेफरल सोसाइटी के नाम से आप लोग जान रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, आज जो मुद्दा है वो ये है कि असली और नकली कौन है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि असली वो है जो लगातार समाज के बीच में जा करके सुख दुख हर मौके पर पहुँच रहा है राजभर समाज के लोगों के बीच, चाहे वो किसी कोई पुलिस उत्पीड़न कर रहा है वहाँ पहुँच रहा हो, चाहे किसी का कोई एक्सपायर हो गया है वहाँ पहुँच रहा हो, चाहे किसी को कुछ मुआवजा दिलवा रहा हो वहाँ पहुँच रहा है, या इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी तकलीफ आ रही है, चाहे वो किसी भी परेशानी में है, वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो हर संभव प्रयास हो सके वो कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय राजभर संगठन के पास कोई अपना फंड नहीं है कि वहाँ से वो पैसा रिलीज करवा लेते हैं, चंदा ले लेते हैं, इसके बाद जाते हैं काम करने के लिए। जो भी जा रहे हैं, जो भी अखिल भारतीय राजभर संगठन की टीम के लोग जा रहे हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, चाहे वो जयप्रकाश, एडवोकेट जयप्रकाश जी हों, चाहे वो हरीश राजभर हों, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी हों हरीश राजभर जी, और साथ में चाहे हमारे सिकंदर भाई युवा अध्यक्ष हों, ये सभी साथी जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके समाज के दुख सुख में जाकर खड़े हो रहे हैं। तो साथियों, और जो अन्य मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब समझदार हैं, जो अन्य अखिल भारतीय राजभर संगठन के जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप मुझे बताइए, आप इतना दिनों सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो बार बार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालता है कि मैंने वहाँ उसको महासचिव बना दिया, वो कार्यकारिणी में बैठा दिया, उसको वहाँ बैठा दिया, हर जगह वो पोस्ट बांट रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लेटर पैड पे उसको बना दिया, उसको बना दिया, उसको बना दिया, पद दे रहे हैं। इधर जेपी सर वगैरह अगर वो पद दे रहे हैं किसी लेवल पे जाकर के, वो किसी को पद दे रहे हैं तो वो लोग उनसे काम भी ले रहे हैं, उनके सुख दुख में जाके। आप सब सोशल मीडिया देख रहे हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है साथियों कि मैं कहीं भी रहूँ, कोई भी काम करता हूँ, समाज के हित में काम करता हूँ, तो उसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर समाज सेवा होती है, बिल्कुल समाज सेवा होती है। कुछ लोग हैं जो घर पर बैठे बैठे सोशल मीडिया पर सिर्फ खुरापात करते हैं कि ये कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इस तरह की बात करते हैं। गाँव में जाकर के जहाँ अपना राजभर समाज बसता है, गाँव में जाकर के उनके साथ में खड़ा होकर, उनके सुख दुख में खड़े होकर के उनकी बातें जानने की कोशिश नहीं करता है। वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लिए सेवा करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है साथियों कि हम और हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, हम लोग सभी एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी को, बड़े भाई हरिश्चंद्र राजभर जी को, युवा अध्यक्ष सिकंदर राजभर जी को, हम सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोग मेरे को क्लेम करेंगे कि रविंद्र राजभर जी की जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, उनको राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बना दिया गया है इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, रविंद्र राजभर इसलिए इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, रविंद्र राजभर सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले कई महीनों से, एक डेढ़ साल से मैं रेगुलरली देख रहा हूँ कि एडवोकेट जेपी सर, चाहे वो इतिहास का मामला हो,
चाहे वो ग्राउंड लेवल पे आकर के किसी की मदद करनी हो, ये लोग लगातार पूरी टीम इनकी काम कर रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से हमारी वाइफ के लिए कि हम उनको इस तरीके से करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल अगर आप उनको इस तरीके से सेवा करने का समाज में मौका देते हैं तो मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि वो पूरे तरीके से आपके हर काम में वो सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी समाज के लिए कुछ करना होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए उनके ही गाइडलाइन से और सबके सपोर्ट से हम लोग आज हमारे मैडम 10 दिन की यात्रा कर रही हैं, सातवां दिन है। मैं पिछले कई दिनों से असली नकली का जो ये सर्टिफिकेट जो लोग बांट रहे हैं मैं ये देख रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रहा। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी एडवोकेट जेपी सर को सपोर्ट करता है वो सोशल मीडिया पे आए, मेरी तरह खड़ा हो और अपनी बात रखे और समाज को बताने की कोशिश करें कि अगर हम अखिल भारतीय राजभर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष से मानते हैं तो एडवोकेट जेपी जयप्रकाश राजभर जी हैं, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हमारे हरीश भाई हैं और हमारे युवा जो है वो सिकंदर भाई हैं। हम लोग इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लोग हम लोग लगातार देख रहे हैं कि समाज के बीच में जाकर समाज का काम कर रहे हैं। ये बात कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। उसके साथ साथ में आप लोग सभी जान रहे हैं कि एक महा बहुत खतरनाक बीमारी हमारे देश के पूरी दुनिया को जिसने घेर लिया कोरोना वायरस के बारे में, मैं आप सभी से कहूँगा जो भी इसे बचाव की प्रक्रिया है, चाहे वो बार बार हाथ धोना हुआ, साफ सफाई रखना हुआ, भीड़ में मास्क लगा के जाना हुआ, इन सब चीज़ें जितनी भी ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ रही है कि हमको इनसे बचना है, आप लोग उससे बचिए, स्वस्थ रहिए और राजभर समाज के विकास के लिए इसी तरीके से आप लोग सब सपोर्ट करते रहें। मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी, सिकंदर राजभर जी और चंद्र राजभर जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आगे आकर के इस समाज को नई दिशा देने के साथ का काम कर रहे हैं। तो रविंद्र राजभर और हमारे साथ में जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं हम सब आपके साथ में हैं। जय राजभर समाज, जय स्वेत, जय हिंद, जय भारत।